एक तरफ जहां पूरा देश अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के भारत दौरे का हर्ष मना रहा है, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में सीएए के नाम पर दंगे भड़काने का काम किया जा रहा है। आज भी उत्तर पूर्वी दिल्ली में दो गुटों में हिंसक झड़प हुई। उपद्रवियों ने कई जगहों पर पथराव किया और वाहनों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। इस दौरान इस हिंसक झड़प का शिकार हेड कांस्टेबल रतनलाल भी हो गए और उनकी मौत हो गई। वहीं शहादरा के डीसीपी अमित शर्मा भी जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उपद्रवी गुंडों ने उनकी गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने इसके बाद मौजपुर, करदमपुरी, चांदबाग, यमुना बिहार, भजनपुरा और दयालपुर समेत 10 इलाकों में धारा 144 लागू कर दी। पुलिस के मुताबिक जाफराबाद, मौजपुर समेत आसपास के इलाके में सीए समर्थक और विरोधी आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से पथराव हुआ। इस दौरान उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को आग लगा दी। मौजपुर में एक गोदाम को भी आग के हवाले कर दिया। वहीं भजनपुरा में एक पेट्रोल पंप को भी आग लगा दिया गया। इलाके में भारी पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात है। इस बीच डीएमआरसी के मौजपुर और बाबरपुर मेट्रो स्टेशन भी बंद है। वहीं इस मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके लोगों से शांति की अपील की है और केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई है। दिल्ली में भड़की इस हिंसा के लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।